छत्तीसगढ़ से यहां पर ट्रांसफर से बैन हट गया है। 2 साल से लगा बैन हटाया गया। भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया। लाखों कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर, अभी तक सिर्फ सीएम समन्वय के जरिए ही ट्रांसफर हो रहे थे, लेकिन अब बैन हट गया है। अब मंत्रालयों के मंत्री अपने स्तर पर भी ट्रांसफर कर सकेंगे, अधिकारी कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से बैन हटा है, तो बड़ी खबर इस वक्त की जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है, और देखिए आखिरकार वही हुआ, ट्रांसफर से बैन हट गया। और रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष जी, आपने पहले ही इस बात का जिक्र भी किया था कि आज शाम तक हो सकता है कि अच्छी खबर आ जाए, और हुआ भी वैसा ही। देखिए बिल्कुल, हमने इस बात के संकेत दिए थे कि आज ही ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लागू कर सकती है, और ट्रांसफर पर जिस तरीके से बैन लगा है वो बैन खत्म हो सकता है। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 2 अलग अलग कैटेगरी में ये तबादले होंगे। जिला स्तर के तबादले अलग होंगे, राज्य स्तरीय के तबादले अलग होंगे। 16 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक जो है वो जिला स्तर के तबादले होंगे, और तृतीय और चतुर्थ जो कर्मचारी जिला स्तर पर होंगे उनमें तकरीबन 10-10% तक के ही तबादलों को सरकार ने अनुमति दी है, इसकी मंजूरी दी है। और जो प्रभारी मंत्री होंगे, जो विभागीय मंत्री होंगे, उनके अनुमोदन से ये तबादले किए जा सकेंगे। हाँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होगी राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए, तो राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए 10 सितंबर से 30 सितंबर तक की अवधि तय की गई है, और इस पर भी तबादले का क्राइटेरिया जो है वो एज पर अवेलेबिलिटी 15-15% तक के रेशियो पर होगा। लेकिन इस ट्रांसफर पॉलिसी में एक नई चीज देखने को मिली। सर्वाधिक शिकायतें जो थी कि जब ट्रांसफर पर बैन लगा तब बड़े पैमाने पर स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले कर दिए गए थे, तो इस दफे जब नई ट्रांसफर पॉलिसी सरकार लेकर आई है तो उसमें स्पेसिफिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग से क्राइटेरिया तय किया गया है, और कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड किए गए हैं, जैसे जो शिक्षक विहीन स्कूल है वहां के शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। साथ ही साथ ऐसे स्कूल जहां पर उस विषय के शिक्षक नहीं रह जाएंगे, ऐसे शिक्षकों के भी तबादले अनुशंसा के बावजूद नहीं होंगे। तो स्पेसिफिक यहां पे रूल्स रेगुलेशन सरकार ने इस दफे तय किए हैं, और जिस तरीके से बड़ी मांग उठी थी विधायकों की तरफ से, कांग्रेस के जो सरकार के मंत्री हैं उनके तरफ से, कि ट्रांसफर पॉलिसी लाया जाए, ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाया जाए, तो वो सरकार ने अब पूरी कर दिया है, और राज्य के कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर तबादले के जो दरवाजे बंद थे वो अब खोल दिए हैं। बिल्कुल, ये दरवाजे खोल दिए। तो समय सीमा भी यहाँ पर तय कर दी गई है, यानी कि ये जो फैसला है ये लंबे वक्त के लिए नहीं है, क्या है? इसको इस तरीके से देखें या फिर आगे फिर जाकर फिर से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? देखिए, तबादलों में एक्सटेंशन नहीं होता है। जो म्याद सरकार तय करती है नई पॉलिसी के तहत, उस म्याद में ही तबादले होते हैं, चाहे जिला स्तर के हों चाहे राज्य स्तर के हों। लेकिन एक विकल्प हमेशा तबादलों का राज्य के भीतर खुला होता है कि कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय के जरिए तबादले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री समन्वय कमेटी जो है उसके अध्यक्ष होते हैं, और हर एक तबादले की फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, तो ये दरवाजा, ये जो विंडो है वो तो हमेशा खुला रहता है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर विधि डिपार्टमेंट जो तबादले होते हैं उसके लिए सरकार पॉलिसी लेकर आती है, और कोरोना की वजह से सरकार पॉलिसी नहीं ला पा रही थी पिछले 2 सालों से। 2 सालों के अंतराल के बाद इस दफे पॉलिसी आई है, और बड़े पैमाने पर तबादले तो होंगे ही होंगे। लेकिन एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि तबादलों को लेकर सियासत भी राज्य में गर्माती नजर आती है। विपक्ष आरोप लगाता है कि राज्य सरकार राज्य के भीतर तबादला उद्योग चला रही है, तो इस तरीके की शिकायतें। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पर कर्मचारियों के लिहाज से आई, अधिकारियों के लिहाज से, कि तबादलों से बैन हट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से बैन हट गया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।